बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इकराज मैजिक किचन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मज़ेदार रेसिपी है गोभी गोश्त, जिसको हम बहुत ही क्विक और इजी वे में प्रिपेयर करेंगे और ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनकर रेडी होगी। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें। मैंने इसके लिए 1 kg गोभी ली है, 1 kg चिकन लिया है। अब हम सबसे पहले गोभी की कटिंग से इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका जो ग्रीन पार्ट है उसको हम रिमूव कर देंगे और जो उसके फूल हैं गोभी के उसको एक एक करके हम सेपरेट कर लेंगे और उसकी अच्छी सी कटिंग कर लेंगे। जितनी आपकी अच्छी कटिंग हुई होगी उतनी ही आपकी जो डिश है वो प्रेजेंटेबल लगेगी। अब आप ये देख लें, मैंने सारे फूल अलहदा कर लिए हैं और आपने इसको अपसाइड डाउन आपने इसको होल्ड करना है और आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते हुए आपने ध्यान रखना है कि आप इसके फूलों को जो है सेपरेट करें और उनकी कटिंग ना करें। सबसे पहले मैंने पानी को बॉयल कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर 1 teaspoon मैंने हल्दी का ऐड किया। इस तरह से जो हमारी गोभी है उसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा और जब हम इसको प्रेजेंट करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इसको बॉयल करने के बाद इसका एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको स्टेनर से स्टेन कर लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। अब हम अपना मसाला तब तक रेडी करते हैं। मसाले के लिए मैंने 1/4 cup ऑयल का लिया और उसमें 2 दरमियाने साइज के मैंने प्याज लिए, उन्हें स्लाइस में कट कर लिया और ऐड कर दिया। अब हम इसको लाइट गोल्डन होने तक कुक करेंगे और उसके बाद इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने 1 tablespoon जीरा, 3 मोटी इलायचियाँ और 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड किए और इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया। 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, 1 tablespoon सॉल्ट का, आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 teaspoon हल्दी, 1 tablespoon धनिया पाउडर, 1 tablespoon लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। इसके बाद इसके अंदर मैंने 3 टमाटर लिए, उनको स्लाइस में कट कर दिया और उसको ऐड करके 2 मिनट के लिए भून लिया। 1/2 cup मैंने इसमें पानी का ऐड किया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और कवर कर देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से नरम हो जाएं और मसाला हमारा अच्छा सा रेडी हो जाए। अब टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं, इसको हम चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से हम इसको मैश कर लेंगे और अपना चिकन ऐड करेंगे। मैं फ्रेश चिकन ऐड कर रही हूँ इसलिए मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप फ्रीज चिकन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी जितनी आपको ज़रूरत हो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम भून लेंगे जब तक कि हमारा चिकन टेंडर नहीं हो जाता। उसके बाद जो हमारी बॉईल की हुई गोभी है उसको ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पे आपने इसको बहुत हल्के हाथ के साथ मिक्स करना है ताकि जो हमारी गोभी है क्योंकि हमने बॉईल की हुई है इस तरह से वो टूट जाएगी। आपने इसको 15 मिनट के लिए कवर कर देना है दरमियानी आग पर और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से जब तक इसका पानी खुशक नहीं होता इसको हम भून लेंगे। 1 teaspoon इस स्टेज पर हम इसमें अजवाइन का ऐड करेंगे और 1 teaspoon इसके अंदर गर्म मसाले का ऐड करेंगे। इस तरह से इसके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी और गोभी को डाइजेस्ट करने में भी आसानी होगी। अब हमारी जो गोभी है उसका पानी खुश्क हो चुका है, बनकर रेडी है। इसको हम गार्निश करेंगे अदरक, हरी मिर्चों और फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर के साथ और इसको सर्व करेंगे। हमारी मज़ेदार गोभी बनकर रेडी हो गई है। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करना और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। मेरी आज की वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। मिलेंगे दोबारा नई रेसिपी नए जायकों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।